फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम एनसीईआरटी इसकी बुक्स को कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसको हम रेट कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इम्पोर्टेंट अपलोड्स आपको टाइमली मिलती रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं। फर्स्टली हम अपने ब्राउज़र पर यहाँ पे एनसीईआरटी की लिंक टाइप करेंगे, www.ncert की लिंक आ गई है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। ये कुछ इस तरह से इंटरफेस खोल के सामने आएगा एनसीईआरटी का। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी की सभी बुक्स को डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल करवाया है, तो आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे कुछ लिंक्स दी हुई हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम की वेबसाइट्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसे इंग्लिश वर्जन की वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। और फिर ये थर्ड लिंक जो है, ये एक ऐप है, ई पाठशाला नाम से एक ऐप है। चूँकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम की लिंक पे क्लिक करती हूँ। इस तरह से कुछ विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ आप नीचे साइड में डाउनलोड ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स, इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे आपकी सारी बुक्स के आइकॉन्स, ये आपकी सारी बुक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरह से आपकी सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ मेन्यूज देख रहे हैं, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट पे तो यहाँ आपकी क्लास फर्स्ट से क्लास ट्वेल्थ तक की सारे बुक्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी क्लास चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट करके, किसी भी क्लास को सिलेक्ट करके आप उसकी बुक्स को यहाँ से डाउनलोड या रेट कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे मैंने क्लास सिक्स चूज किया है। देन यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, जैसे मैं सोशल स्टडी की बुक्स पढ़ना चाहती हूँ तो सेलेक्ट बुक टाइटल। अब यहाँ पे जितनी भी होंगी सोशल स्टडी की बुक्स वो आपके इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिस्प्ले होंगी। फर्स्ट सेलेक्ट करूँगी, देन गो पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे ये आपकी बुक ओपन हो गई है। यहाँ पे आप ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं इसको। ये पेजेस दिए हुए हैं और आप यहाँ पे साइड में आपको यहाँ डाउनलोड कंप्लीट बुक एज अ पीडीएफ, इसे आप पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बाद में। एनसीईआरटी की एक ऐप भी है ई पाठशाला नाम से, इसे आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बुक्स को ईज़िली रीड कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन बहुत ही ईजी है, तो आइए देखते हैं कि उसे कैसे डाउनलोड करें। आप अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर में जाएंगे तो इस तरह से कुछ खुल के आएगा। यहाँ पे आप ऊपर सर्च में आप ई पाठशाला टाइप करेंगे तो आपको ये जो फर्स्ट जो आपको आइकॉन दिखेगा इसी को आपको डाउनलोड करना है। यही आपकी एप्लीकेशन ऐप है, इस पर आपको क्लिक करना है तो इस तरह से विज़ार्ड खुल के आएगा। इसे आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। चूँकि मैंने यहाँ पे पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो मैं अब इसको ओपन करूँगी इस तरह से। ये एप्लीकेशन जब खुलेगी तो इसका जो फर्स्ट इंटरफेस होगा कुछ इस तरह से दिखाएगा।
इस तरह से आप इस एप्लीकेशन में अपने अकॉर्डिंग आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, एजुकेटर हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस पर क्लिक करके अंदर जा सकते हैं। तो मैं इस पर स्टूडेंट पे क्लिक करती हूँ। इस तरह से नेक्स्ट विंडो आपके पास ओपन हो के आएगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आपको ईमेल आईडी के थ्रू आपको इस पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, देन आप तभी आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल के इस पर आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा। चूँकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। जब आप इस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन होके आएगी। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, ये ई बुक्स और यहाँ पे ऑडियो वीडियो। यहाँ पे एनसीईआरटी के जितने भी ऑडियो वीडियोज हैं तो ये आपके इस पे हैं, इसके अंदर हैं, इस फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे जितनी भी बुक्स, तो हम बुक्स पे जाएंगे। यहाँ इस तरह से स्क्रीन ओपन होके आएगी। इस पर हम फर्स्टली क्लास सेलेक्ट करेंगे, जिस भी क्लास की बुक्स हमको रीड करनी है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इस तरह से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होके आएगा, जिस पे क्लास फर्स्ट से ये क्लास 12th तक की सारी बुक्स अवेलेबल होंगी। तो इस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं 6th क्लास की बुक मुझे चाहिए, तो मैं 6th क्लास सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इस पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हिंदी। नेक्स्ट सब्जेक्ट, जैसे मुझे सोशल साइंस की बुक चाहिए, तो मैं यहाँ पे सोशल साइंस सेलेक्ट करूँगी। तो इस तरह से उसके अंदर जितनी भी बुक्स होंगी ये हमारे पास खुल के सामने आ जाएंगी। उसके आइकॉन्स यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे, डिस्प्ले होने लगेंगे। तो इस पे जैसे मुझे चाहिए हमारे अतीत, ये वाले बुक्स चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूँगी। इस तरह से यहाँ पे ऑल चैप्टर्स, मुझे इस बुक के ऑल चैप्टर्स रीड करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगी। देन यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन दिख रही होगी, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, इस पे ओके करेंगे। अब हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। जब ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब हम अपनी सेव फाइल पे ऑप्शन पे जाएंगे। तब हम ये यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस पे हम सेव फाइल पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारी जितनी भी बुक्स सेव्स होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगी। मैंने पहले से भी कई बुक्स डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी बुक्स दिख रही हैं। तो ये फर्स्ट बुक जो अभी हमने किए है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। अब हम इसमें ये चैप्टर, ये जितने भी हैं, सारे यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे। यहाँ पे हम किसी भी चैप्टर की हेडिंग पे क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको टू मोड्स अवेलेबल होंगे। इस तरह से आप फ्लिप करके भी आप अपने पेजेस को पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बुलेट दिखेगी टॉप पे साइड कॉर्नर पे, यहाँ पे एक ये बुलेट दिख रही होगी जो कि अभी डिसेबल है। इसे हम इनेबल कर लेंगे। अगर हमें इसे हम इनेबल कर लेंगे, इस तरह से ये रेड हो जाएगी, तो हम इसे सिंपल मोड में इसको रीड कर सकते हैं। अगर हमें नॉर्मल मोड में इसको रीड करना है बुक को, तो हम इसे इनेबल कर लेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसे ये इनेबल हो जाएगी। अब ये बटन इनेबल हो चुकी है, तो अब हम इसे इस तरह से सिंपल मोड में भी पढ़ सकते हैं, ऊपर नीचे करके स्लाइडिंग मोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।